किशनगंज लोकसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी मास्टर मुजाहिद आलम ने किया नामांकन। नॉमिनेशन में मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल और मंत्री जमा खान हुए शामिल। नॉमिनेशन के बाद मास्टर मुजाहिद ने कहा, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करूंगा। मंत्री जमा खान ने कहा, पिछले चुनाव में हम लोग कुछ वोटों से यहां की सीट हारे थे। किशनगंज लोकसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी मास्टर मुजाहिद आलम ने किया नामांकन। बताया जा रहा है कि बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान नॉमिनेशन में हुए शामिल। दरअसल किशनगंज की यह सीट एनडीए गठबंधन में जेडीयू को मिला है, जहां से एनडीए प्रत्याशी मास्टर मुजाहिद आलम ने आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं नॉमिनेशन के बाद पत्रकारों से मुखातिब होकर सांसद प्रत्याशी मास्टर मुजाहिद आलम ने कहा कि पहले से मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करूंगा। इस दौरान बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि किशनगंज लोकसभा क्षेत्र गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है। यहाँ पर कांग्रेस और AIMIM आम जनता को दिग्भ्रमित कर जाती और धर्म में बांटना चाहती है। वहीं मंत्री जमा खान ने कहा कि पिछले चुनाव में हम लोग कुछ वोटों से यहाँ की सीट हारे थे, इस बार लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। यहाँ पिछली बार थोड़े मतलब चुनाव में हारे थे, निश्चित तौर पर आज जो जनमानस का जो रिपोर्ट है, जो उत्साह है हर समाज के लोगों के बीच में, हम जानते हैं उत्साह मिलता है, जज्बा जो है, निश्चित तौर पर चुनाव छोटा चुनाव जीत लिया। आप किससे अपनी लड़ाई मान रहे हैं, MIM से कि कांग्रेस से? यहाँ कोई लड़ाई ही नहीं है, एक तरफा है, एक तरफा यहाँ पे है और निश्चित तौर पर चुनाव अच्छे मत से चुनाव जीते NDA चुनाव। इस क्षेत्र से सबसे पहला नामांकन उनका हुआ, नामांकन में उन्होंने फर्स्ट किया। चुनाव का जो माहौल बनाने का प्रयास किशनगंज में किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, MIM के द्वारा, इस माहौल को किशनगंज की जनता पसंद नहीं करती। किशनगंज की जनता के बारे में सीधा सा एक ही मैसेज है कि ये गंगा जमुनी का सबसे बड़ा उदाहरण पूरे दुनिया में अगर है तो किशनगंज। इसीलिए नीतीश कुमार जी का जो NDA से गठबंधन है वो एक वसूल के तहत है और वो वसूल है बिहार का विकास। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है, लेकिन MIM और कांग्रेस के पास और कोई हथकंडा नहीं, सिर्फ एक ही हथकंडा है कि किसी तरह से यहाँ के गंगा जमुनी माहौल को खराब किया जाए, हिंदू मुस्लिम को अलग बांटा जाए, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नाम को गलत तरह से उपयोग किया जाए, बंद करे ये सब नाटक। किशनगंज में इस नाटक की आवश्यकता नहीं है। लोकसभा के की आम जनता है, सब मेरा परिवार है, उनका सुख दुख मेरा सुख दुख है, उनके सुख दुख को साझा करना जो मैं पहले से करते आ रहा हूँ वो और मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है और आने वाले दिनों में और मजबूती से पूरी ताकत से करूंगा। और विकास के मामले में किशनगंज लोकसभा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगा। आप जानते हैं कि मुझे जब भी मौका मिला कोचा धामन में 6 साल 4 महीने काम करने का, इस दरमियान मैंने 2,250 करोड़ से अधिक की योजनाएं, विकास योजनाएं जो है कोचा धामन के लिए धरातल पर उतारने का काम किया। और अगर मुझे मौका मिलेगा और निश्चित रूप से जो जनता का, युवा का, माँ बहनों का, बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद दुआ प्राप्त हो रहा है, निश्चित रूप से जिस तरह से मैंने विकास के मामले में कोचा धामन विधानसभा में इतिहास रचा है, इस बार किशनगंज लोकसभा में इतिहास रचा जाएगा। जो बड़ी योजनाएं लंबित हैं, चाहे वो किशनगंज जलालगढ़ रेल लाइन हो, AMU किशनगंज सेंटर का मामला हो, ट्रोमा सेंटर का मामला हो, AMU किशनगंज सेंटर का मामला हो, इसको लेके सिर्फ राजनीति हुई है। और AMU किशन सेंटर को अगर 10 करोड़ रुपए जो मिला है 3 दिसंबर 2015 को, तो NDA शासन काल में, वरना तो UPA सरकार में जमीन देने के 2.5 साल बाद तक एक फूटी कौड़ी नहीं दिया गया है, न यहाँ के टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट को सेंक्शन किया है। बिहार में NDA की सरकार है, केंद्र में NDA की सरकार है, तो मैं समझता हूँ कि ये काम भी होगा और
हमारे इस क्षेत्र के की एक बहुत बड़ी आबादी युवाओं की रोजगार के लिए बाहर में रहती है, जाने का काम करती है। तो हम लोग केंद्र और राज्य सरकार से मिल करके पहल करके मैं यहाँ पर बड़े उद्योग लगाने का काम करूँगा।